अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वेलकम टू सविलास किचन। आज हम बनाएंगे पुरानी दिल्ली के नान। ये नान मुगलई खाने के साथ सर्व किए जाते हैं। ये नान खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप इसको शाही पनीर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो के लिए मैंने ये 2 कप मैदा ली है, आधा किलो मैदा है ये। एक अंडा लिया है मैंने, इसको फेंट लिया है अच्छे से। इसको मैं आधे से भी कम इसमें डालूंगी। दो बड़े चम्मच ऑयल है इसमें डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून लिया है मैंने ये बेकिंग पाउडर, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही हम डाल रहे हैं नमक, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने गुनगुना दूध लिया है, इससे हम ये एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। मैदा को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है हमने। अब इसको हम ढककर 2 या 3 घंटे के लिए किसी वार्म जगह पर यानी गर्माहट वाली जगह पर रख देंगे, जैसे माइक्रोवेव के अंदर, अलमारी के अंदर या किसी कंबल के नीचे। मेज़रमेंट के लिए मैंने छोटी चम्मच ली थी। अगर आप ये जैसे घर में यूज़ होने वाली चम्मच होती है ये ले रहे हैं तो इसमें आप 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लें और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लें। 3 घंटे हो चुके हैं, मैदा हमारी फर्मेंट हो चुकी है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जब हमने ये मैदा गूंदी थी तब हम इसमें 2 या 3 टेबल स्पून दही मिला दें तो मैदा का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, हमारे नान बहुत अच्छे टेस्टी हो जाएंगे। और इसमें मैंने जो अंडा डाला है, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। अंडा नान को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, इसलिए मैंने इसके अंदर अंडा डाला है। अब हम इसके नान बनाएंगे। नान के लिए ये हम डो लेंगे पहले। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं इसी तरह से हम ये नान बेल लेंगे। थोड़ी सी मैंने इसकी ओवल शेप की है, ज़्यादा नहीं की है क्योंकि तवा छोटा है और रोटी जितनी पतली होती है उससे थोड़ा सा मोटा मैंने ये नान रखा है। इसके ऊपर हम डालेंगे कलौंजी, थोड़े से धनिया के पत्ते, इसको हम प्रेस कर देंगे। इसके दूसरी साइड हम लगा लेंगे पानी। तवा मैंने गैस पे रख दिया है, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। ये मैंने लोहे का तवा लिया है नॉन स्टिक पे, ये हमारे नान चिपक नहीं पाएंगे। जिस साइड हमने पानी लगाया था वो साइड हम नीचे रखेंगे और इसको इस तरह से सिकने देंगे। नान हमारा एक साइड से सिक चुका है, ऊपर से ये बबल से आ गए हैं। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके आग पर सेक लेंगे। नान हमारा अच्छे से सिक चुका है, अच्छा ब्राउन कलर इस पर आ गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये है हमारे पुराने दिल्ली के नान। सर्व किया है मैंने इसको बटर चिकन के साथ। ये नान बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। किसी भी खाने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।